हेलो फ्रेंड्स, खुलुमका नमस्कार। मेरा नाम संजय है, इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। यानी संजय थे इंडियन रिएक्शन नो नारोक जो तो नो लाम सोगो। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे, फिट और फाइन होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस सॉन्ग का रिएक्शन देने के लिए मुझे कहा था, तो आज हम इस सॉन्ग पर रिएक्शन दे रहे हैं। और सॉन्ग का टाइटल है किस्सा किस्सा खे ऑफिशियल कुक ब्रोक म्यूज़िक वीडियो। खतानसा प्रोडक्शन का ये वीडियो है। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। और इनके ओरिजिनल वीडियो का और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम भाई थैंक यू मॉम एंड डैड। वाव अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगता है कि इनके जैसा एक्टर कोई नहीं है। विवा बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। मैंने इनके इंटरव्यू के लिए मैसेज किया था इंस्टा पे, उन्होंने मैसेज ही दिए थे। कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। जोरा बुद्धि मोनत लंगो निनी फैसी निनी गना। जोरा बुद्धि मोनत लंगो निनी फैसी निनी गना।
सॉन्ग में लोकेशन और कॉस्ट्यूम बहुत ही ब्यूटीफुल यूज किए गए। दोनों के एक्सप्रेशन कौन सा हिल स्टेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत मैम की तरह तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक था, सिंगर की वॉइस और लिरिक्स भी। पर स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक से। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक बनाया म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने, कमाल के इफेक्ट दिए म्यूज़िक में। और मेल और फीमेल सिंगर की बात करूँ तो बहुत ही स्वीट आवाज़ है दोनों की भी, और लिरिक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल है सॉन्ग के। हम बात करते मेल और फीमेल एक्टर की, वाओ, मैं खासकर मैम की बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। क्या एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, और ऐसा लगता है उनको जब भी एक्टिंग करती है कि उनके जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग करते हो, उनके आईज एक्सप्रेशंस, उनके फेस के एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल होते हैं कि मतलब इंसान उनको देखते रहता है कि इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग करते हो। और भाई साहब की बात करूँ तो सर ने भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिंग निभाई यहाँ पे। आई थिंक उनको मैंने इसके पहले किसी सॉन्ग में देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम ही उनको देख रहा हूँ। पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिंग की है, उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। चाहे मैम का हाथ में हाथ लेके उनकी तरफ देखना हो, मैम के वहाँ पे एक्सप्रेशंस भी बहुत ब्यूटीफुल थे। या फिर जैसे जूस बार के सामने वहाँ पे उन्होंने जैसे उनका हाथ में हाथ लेके रोड क्रॉस कराया, वो वाले मोमेंट्स हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे मुझे। बात करूँगा कॉस्ट्यूम्स की, बहुत ही ब्यूटीफुली कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए गए सॉन्ग में। और ख़ास बात करूँगा विवाह, जैसे भी मैम कॉस्ट्यूम, उनको कोई भी कॉस्ट्यूम इतना परफेक्ट लगता है और इतने ब्यूटीफुल दिखती है हर कॉस्ट्यूम में, बस इंसान उनको देखते रहता है। और लोकेशंस, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुली लोकेशंस, वो सीरिया वाला जैसे ब्रिज बनाया बाम्बू से, वो कौन सा हिल स्टेशन है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा वो लोकेशन। तो ओवरऑल वीडियो की बात करो तो बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक था, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स, सिंगर की आवाज़, और इन दोनों ने कमाल कर दिया है, खासकर मैम ने। बस उनकी एक्टिंग देखते रहने का मन करता है, इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग की है, इतने ब्यूटीफुल उनकी अदाएँ लग रही थी। और लोकेशंस, कॉस्ट्यूम, कैमरा एंगल्स यहाँ पे नहीं भूल सकते, बहुत ही ब्यूटीफुली कैमरा एंगल्स लिए हैं। और डायरेक्टर साहब ने सच में कमाल किया इस सॉन्ग में, बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन रहा। वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, सब कुछ एकदम नंबर वन लगता है, सेम मैम की तरह। जो तो नो हम भाई यानी वीडियो नहीं मोहनी बगवी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे लिए जो भी सजेशंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टा पे बताया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर भी करिए। जय हिंद।